अब हम लूप्स में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है व्हाइल लूप। हमने इससे पहले डू व्हाइल लूप डिस्कस करा था जो कि था एक एग्जिट कंट्रोल लूप। अब हम व्हाइल लूप डिस्कस करेंगे जो कि है एक एंट्री कंट्रोल लूप। तो जब हमने टाइप्स ऑफ लूप पढ़े थे उस टाइम मैंने आपको बताया था कि एंट्री कंट्रोल लूप वो लूप होते हैं जिसमें हम कंडीशन लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करने से पहले ही चेक कर लेते हैं। तो हमने जब डू व्हाइल लूप पढ़ा था उस केस में एटलीस्ट एक इटरेशन रन हो रहा था बिना कंडीशन को चेक करे। उसके बाद सेकेंड इटरेशन के लिए हम चेक कर रहे थे कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है व्हाइल लूप। तो बेसिकली व्हाइल लूप क्या होता है, जिसमें हमें कंडीशन हम पहले से एंट्री के टाइम पर लूप पे रख सकते हैं, उसके बाद हम बॉडी एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसका सिंटेक्स देखते हैं हम, इस तरीके से होता है। हमारे पास सबसे पहले होता है, जैसे हम डू व्हाइल लूप में करते थे, इनिशियलाइजेशन करते थे वेरिएबल का, कुछ किस वेरिएबल का जिस पर डिपेंडेंसी है हमारे लूप के इटरेशंस का। तो यहां पर हम लिखेंगे इनिशियलाइजेशन, राइट। उसके बाद हमारा सिंटेक्स में आता है व्हाइल कीवर्ड। व्हाइल एक कीवर्ड है जो सी के जितने भी हमारे पास 32 कीवर्ड्स हैं उनमें से एक है। तो ये एक रिजर्व वर्ड है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये सब लोअर केस में लिखा होता है। फिर उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं कंडीशन, या फिर हमारे जो टेस्ट करने वाले हैं एक्सप्रेशन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंडीशन। उसके बाद ब्रेसिस के अंदर होती है यहाँ पर हमारी बॉडी ऑफ लूप, राइट। जितने भी स्टेटमेंट्स हमें इसमें लिखने हैं वो सारे स्टेटमेंट्स यहां पर होते हैं। उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन, अपडेट एक्सप्रेशन में हम जो भी वैल्यू हमारा टर्मिनेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल, उसमें क्या चेंजेस करने हैं जिसकी वजह से वो इटरेशन हमारा फिर से एग्जीक्यूट हो, सेकेंड इटरेशन हो, थर्ड इटरेशन हो। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, कुछ भी मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वो वैल्यूज इस अपडेट एक्सप्रेशन में आती है। तो ये होता है हमारा बेसिक सिंटेक्स होता है किसका, व्हाइल लूप का। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जब मैं आपको टाइप्स ऑफ लूप समझा रही थी तो उस टाइम पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था व्हाइल लूप के लिए या एग्जिट कंट्रोल लूप के लिए, कि हम कहीं अगर जा रहे होते हैं और हम कहीं पर फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट से जा रहे हैं, और जब हम फ्लाइट से जा रहे हैं और हम टिकट बुक कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हम टिकट बुक करते टाइम ही लोकेशन को सेट करते हैं, उसी के बेसिस पे हमारा फेयर डिपेंड करता है और उसी के बेसिस पे हमारी टिकट बुक होती है। लेकिन डू व्हाइल लूप के टाइम पर मैंने आपको बताया था कि अगर हम बस में गए और वहां जाकर हमने बस में बैठ के हमने बोला कि हमें इस जगह का इस लोकेशन की टिकट चाहिए, और अगर बस में बैठने के बाद वो बस उस लोकेशन पे जाती ही नहीं होगी, तो आपने लूप तो स्टार्ट कर ही दिया था बस में बैठने पर। जब आपको बैठने पर लूप स्टार्ट हो गया है उसके बाद आपने टिकट नहीं ले पाए, दैट मीन्स आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो फिर आप बस से वापस उतर जाते हैं। लेकिन व्हाइल के केस में क्या हो रहा है, हम बस में चढ़ने से पहले ही टिकट ले रहे हैं, फाइन। हम फ्लाइट में बैठने से पहले ही हम टिकट ले रहे हैं, हमारा लोकेशन उसमें सेव है। तो अगर वो टिकट दैट मींस जो हमारा कंडीशन है वो ट्रू होगा, उसी केस में हम फ्लाइट में बैठेंगे और उस लोकेशन पे जा पाएंगे। अगर वो पहली बार में ही वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है, उस केस में जो हमारा लूप है उसकी बॉडी एक बार भी इटरेट नहीं होगी, हमारा जो लूप है वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, और हमारा जो कंपाइलर है कंडीशन फॉल्स होने की वजह से लूप के बाहर आ जाएगा। तो इसका फ्लो चार्ट किस तरीके से होगा, यहां पर है हमारे पास इनिशियलाइजेशन, उसके बाद हमारा व्हाइल लूप स्टार्ट हुआ है, इसके बाद हमने यहां पे चेक करी है कंडीशन, राइट। कंडीशन ट्रू होने पर लूप की बॉडी, बॉडी ऑफ लूप, ये कंडीशन ट्रू होने पर हुआ है और ये बार बार एग्जीक्यूट होगा,
जब तक हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है. बट अगर कंडीशन जब फॉल्स होती है, ये फॉल्स के केस में टर्मिनेट हो जाएगा लूप और आउटसाइड लूप, जो भी लूप के बाहर के हमारे जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे. इस तरीके से वर्किंग होती है. चलिए एक एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, जो एग्जांपल हमने डू वाइल के टाइम पर भी करा था. मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, कितने बार? 10 बार प्रिंट करवाना है. सो अगर मेरे पास वाइल लूप या डू वाइल नहीं होता तो उस केस में मुझे उस हेलो वर्ल्ड के लिए 10 बार लिखवाना है. तो 10 बार प्रिंट एफ लिख कर हेलो वर्ल्ड हमारे जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर प्रिंट कराना पड़ता. बट अभी क्या है, अब मुझे डू वाइल भी आता है और वाइल लूप भी आता है. सो वाइल लूप से अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए जो कि वाइल लूप को इटरेट करने का काम करेगा. तो हमने यहां पर एक वेरिएबल ले लिया आई, कोई सा भी नाम दे सकते हैं आप उस वेरिएबल को. उसके बाद हमें यहां पर अब हम वाइल लूप लिख रहे हैं जिसमें हम यहां पर इस पे इनिशियल वैल्यू यहां पर दे देते हैं आई इक्वल्स टू 1. ये हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया. फिर उसके बाद यहां पर अब हम कंडीशन लिखेंगे, और कंडीशन क्या है कि हमारा हेलो वर्ल्ड कितने बार प्रिंट होना चाहिए, 10 बार प्रिंट होना चाहिए. तो दैट मीन्स आई शुड बी लेस देन या इक्वल्स टू 10. तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आई लेस देन इक्वल्स टू 10. यहां पर हम लूप की बॉडी में लिखेंगे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड. फाइन. उसके बाद यहां पे क्या लिखा है, अपडेट एक्सप्रेशन. तो अब हम यहां पे लिखने वाले हैं अपडेट एक्सप्रेशन क्या है हमारा, आई प्लस प्लस. फाइन. अब इसकी वर्किंग इस तरीके से होगी, सबसे पहले कंपाइलर यहां जाएगा, आई को रीड करेगा. आई रीड करते से हमारे मेमोरी में स्पेस बन जाएगा आई के लिए इंटीजर टाइप का. और फिर उसके बाद आई को इनिशियलाइज्ड वैल्यू दी हमने 1. इनिशियल वैल्यू मिलने के बाद यहाँ पे लूप एग्जीक्यूट होगा. लूप एग्जीक्यूट होने पर यहाँ पे सबसे पहले चेक होगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो कंडीशन ट्रू हुई. जब कंडीशन ट्रू होगी उसी केस में यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा. फिर उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ, दैट मीन्स 1 से 2 हो गई वैल्यू. 2 होने के बाद वापस लूप हमारा रन हुआ सेकेंड इटरेशन के लिए. सेकेंड इटरेशन पे फिर चेक हुआ 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू हो गई कंडीशन. फिर यहाँ पे प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड. इस तरीके से हमारा कितने 10 बार प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड. जब 10th टाइम प्रिंट होगा उसके बाद यहाँ पर क्या कंडीशन हो रही है, 10 बार प्रिंट होगा उसके बाद 11 हो जाएगी वैल्यू आई प्लस प्लस. फिर यहाँ पे चेक होगा 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा. सो इस तरीके से हम हमारे वाइल लूप को सिंटेक्स को यूज कर सकते हैं हमारे लूपिंग स्ट्रक्चर्स के लिए. अब इसमें सेम अगर मुझे वही एक में जो हमने डू वाइल के टाइम पे डिस्कस किया था, क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके n वैल्यू तक मुझे प्रिंट करानी थी जो वैल्यू, वो हम करते तो उसके लिए हमें क्या करना रहता, सिंपली जो वाइल कंडीशन है सेम रहती है, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट एफ करा रहे हैं i की वैल्यू. तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, एटलीस्ट एक बार जो हमारा प्रॉब्लम हो रहा था डू वाइल लूप में, एटलीस्ट एक बार बिना कंडीशन चेक करे वो रन हो रहा था. तो उस केस में कई बार आउटपुट गलत भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर हमारा जो लूप की बॉडी है वो तभी एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन ट्रू होगी. सो ये होता है एंट्री कंट्रोल्ड लूप. अब हम इसको हमारे टर्बो C++ कंपाइलर पर एक बार रन करके देख लेते हैं. सो अब हम हमारे एग्जांपल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और हम सिंटेक्स देखेंगे ध्यान से कि वाइल का सिंटेक्स हम हमारे प्रोग्रामिंग में किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से वो एग्जीक्यूट होता है. तो हमारी हेडर फाइल्स हमने यहाँ पर इंक्लूड करी है. उसके बाद हमने यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन बनाया. फिर हमने एक वेरिएबल बनाया था आई. और आई की इनिशियल वैल्यू दी हमने 1. फिर हमने वाइल कीवर्ड लिखा जिसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन लिख रहे हैं आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10.
फिर हम बॉडी लिख रहे हैं वाइल लूप की, जिसके अंदर हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ। हेलो वर्ल्ड, आई प्लस प्लस, हमने यहां पर अपडेट एक्सप्रेशन लिख दिया, फिर गेट सी एच, और हम इसको सेव कर देते हैं। सेव हो गया है, अब हमने इसे कंपाइल करा और हमने इसे रन करा। सो ये हमारा हेलो वर्ल्ड 10 times प्रिंट हो गया है। मैंने आपसे एक और एग्जांपल डिस्कस करा था जो कि हमने डू वाइल में भी करा था, 1 to 10 तक वैल्यूज प्रिंट कराने के लिए। तो हम सिंपली यहां क्या करेंगे, आई की वैल्यू प्रिंट करा देंगे, आई आई। अब हम इसे कंपाइल करेंगे और वापस से रन करेंगे। सो 1 to 10 तक की वैल्यूज प्रिंट हो गई। इसी एग्जांपल में हमने डू वाइल में रिवर्स भी करके देखा था। तो अगर मुझे रिवर्स करना है तो उस केस में नंबर का जो हमारा आई वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू ही 10 हो गई, और फिर उसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं बाय 1। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है यहां पर हमने, और अब हम इसे कंपाइल करेंगे और हम इसे रन करेंगे। कंडीशन चेंज होगी यहां पर, और वो चेंज होगी आई इज ग्रेटर देन 0। अब हम इसे कंपाइल करेंगे और हम इसे रन करेंगे। तो आई हमारा रिवर्स में 10 to 1 तक वैल्यूज यहां पर प्रिंट हो गई हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूं यहां पर सिर्फ वो वैल्यूज प्रिंट हो जो 2 से डिविजिबल हो, दैट मींस इवन वैल्यूज हो। तो यहां पर मैं इस तरीके से लिख सकती हूं आई डिवाइड बाय 2। अब हम इसे कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। आई हमारा 10 है माइनस 2। अब हम इसे कंपाइल करेंगे और हम इसे रन करेंगे। यहां पर हमें इवन नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो हम एक छोटा सा इफ कंडीशन लगा सकते हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि आई मॉड 2 equals to 0 है, तभी हमारा प्रिंट होना चाहिए आई की वैल्यू। और एल्स में चला जाएगा ऑड वाला पार्ट। तो यहां करेंगे हम प्रिंट एफ percentile d i। अब ये रिवर्स में हमारे अगर वैल्यूज हमारी क्या होगी, 2 i mod 2 है तो हमारा i की वैल्यू प्रिंट होगी, जो हमारी वैल्यूज है i की, जो हमारी इवन वैल्यूज है सिर्फ वही प्रिंट होंगी। अगर ऑड प्रिंट कराना है तो उस केस में हम else पार्ट चलाएंगे। तो हम सबसे पहले इवन वैल्यूज देख लेते हैं, 10, 8, 6, 4, 2। अब हम देख लेते हैं हमारी ऑड वैल्यूज, तो उसके लिए हम नॉट इक्वल्स टू लगा देते हैं। तो हमारे अब रिवर्स नंबर्स ऑड वैल्यूज आएंगी, तो हम इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। 9, 7, 5, 3, 1। तो अलग अलग सिनेरियोज, अलग अलग एग्जांपल्स हम व्हाइल लूप के थ्रू कर सकते हैं।